एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश की पहल पर वैक्सीन ऑन व्हील का बुधवार को मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इंडस्ट्रियल क्षेत्र के करीब 80 से 1 लाख औद्योगिक श्रमिक कर्मचारियों और उनके परिवार को कोरोना वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से चलित वैक्सीनेशन वैन पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रोजाना घूमती रहेगी जब तक सभी 18+ लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लग जाते। इस वैन का संचालन रुकेगा नहीं। इंदौर में लोगों को 100% वैक्सीन लगे जिसको देखते हुए बुधवार को एयर कंडीशनर मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा किया गया। इस दौरान इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद दपरिया ने बताया है कि जब भी देश में कोई आपदा या महामारी आई है तो उद्योगपतियों द्वारा देश के लिए सदैव सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। देश में वैश्विक महामारी कोरोना ने अपना प्रकोप फैला दिया है, जिससे बचाव के लिए वैक्सीन ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है। वहीं मजदूरों की संख्या को देखते हुए उन्हें एक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल से जुड़े तमाम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि जिसके बाद चलित वैक्सीन वैन का शुभारंभ किया गया ताकि इंडस्ट्री से जुड़े 80,000 से 1,00,000 कर्मचारी और उनके परिवार को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा सके। वही वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ के बाद मंत्री ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने में वैक्सीन बड़ी महत्वपूर्ण कवच रहेगा और ये चलित वैक्सीन वैन संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीन लगाएगी। इस कार्य के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनता की ओर से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का आभार धन्यवाद दिया गया है। शुभकामना देता हूँ क्योंकि तीसरी लहर जो रुक सकती है वो वैक्सीन से ही रुक सकती है और पवित्र काम घूम घूम कर इस वैन के माध्यम से जो ये संस्था ने किया, वाकई में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इस संस्था का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, हमारा कहना यह है कि जब जब देश में कोई आपदा आई है, जब जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आई है और तकलीफ में देश हुआ है, तब तक उद्योगपति एक साथ एक झुंड में खड़ा होकर देश के साथ रहा है। उसी तरम तरम में आज ये एक और कड़ी जुड़ी है कि हमने एक मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर डेवलप करा है। ये वो वैन है, एयर कंडीशन वैन है, जिसके अंदर सारे वैक्सीनेशन रहेंगे और ये प्लेस टू प्लेस मूव करेगी। मतलब जैसे सावे रोड हमारा इतना बड़ा ए टू एफ सेक्टर है, बर्दरी है, कुमेटी है, जाखिया है, ये सारी जगह हैं जहाँ पे एक एक फैक्ट्री में 1,000 मजदूर काम करते हैं और उन सब 1,000 मजदूरों को इस सेंटर में लाना थोड़ा असंभव सा लग रहा था। इसके चलते हुए हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना एक मोबाइल वैन बनाई जाए और उसके अंदर एक डॉक्टर अटेंडेंट, एक नर्स बैठेगी और जितने लोग होंगे उनको वहीं पे वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये मूव प्ले, ये जो मोबाइल वैन है ये मूव करेगी, जगह से जगह हर सेक्टर में जाएगी, एक जगह खड़ी होकर वहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज है वहाँ के लेबर उनकी पूरी फैमिली को कंट्रोल करेगी। एट प्रेजेंट कितने लेबर्स हैं अगर काउंट करें जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं? मैडम, हमारा अंदाज़ा करीब करीब ये पूरा एरिया के 80,000 से लेके 1,00,000 इतने लेबर हैं जो वैक्सीनेट होना बाकी हैं और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली। अगर 1,00,000 लेबर पकड़े जाएँ और 4 जने भी उनकी फैमिली में पकड़े जाएँ तो 4,00,000 होते हैं। तो टोटलिटी में 5,00,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का हमारा ध्येय है, हमारा इरादा है। एक दिन में आप लोगों ने कितना टारगेट किया है, कितने लोगों को वैक्सीनेट? एक दिन में 300 वैक्सीनेट हो सकते हैं। 8 घंटे के अंदर जो समय लगता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पीरियड भी रहता है, कंटिन्यूशन में वैक्सीनेशन चलेगा तो 8 घंटे के अंदर 300 से ज़्यादा वैक्सीन होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। मैं प्रमोद दफरिया, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।